नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाजिर में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। 7451 राशन कार्ड लाभुकों के बीच जिलाधिकारी ने किया वितरण। 1,15,00,000 की लागत से बनने वाले आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केंद्र का शिलान्यास। बाढ़ अथवा सूखा की स्थिति में होगी वैकल्पिक फसल की व्यवस्था, कहा मुख्यमंत्री ने। प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संभावित बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा तैयारी के बाबत ली जानकारी। और गोल्ड लोन घोटाला मामले में बैंक नहीं दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस जांच प्रभावित। उजागर बाद बैंक कर्मियों के फूलने लगे हाथ पांव। खबरें विस्तार से किंतु थोड़ी देर। एसटी थॉमस स्कूल सहागंज बेता, नर्सरी से अष्टम तक के इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा। वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा। वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्वीज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं एसटी थॉमस स्कूल साहागंज बेता। कंप्यूटर पर कर लो कमांड, विश्व में है इसकी डिमांड। अपूर्वा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोर्स फैसिलिटी डीसीए, एडीसीए, बीजीडीसीए, टैली, डीडीपी, हार्डवेयर, मल्टीमीडिया, इंटरनेट प्रोग्रामिंग। रामपुर, रामगंज, बैंकर्स कॉलोनी रोड, महिंद्रा धुरंधर ट्रैफिक एजेंसी के सामने। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल 7870713346 7492056757। और खबरें अब विस्तार से। सभी पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले, इसके लिए सभी प्रखंडों में आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं। उन आवेदनों की विधिवत जांच कर एवं राशन कार्ड स्वीकृत कर लोगों में बांटा भी जा रहा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नए राशन कार्ड एवं पीडीएस अनुज्ञप्ति वितरण समारोह में कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के नजदीक 1,15,00,000 की लागत से बनने वाले आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केंद्र भवन का शिलान्यास किया गया। सभी पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले, इसके लिए सभी प्रखंडों में आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं। उन आवेदनों की विधिवत जांच एवं राशन कार्ड स्वीकृत कर लोगों में बांटा भी जा रहा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में नए राशन कार्ड एवं पीडीएस अनुज्ञप्ति वितरण समारोह के अवसर पर उक्त बातें कही। कार्यक्रम में उन्होंने लाभुकों के बीच राशन कार्ड एवं नई अनुज्ञप्ति का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि जिला में समारोह आयोजित कर कुल 7,451 राशन कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। वितरित राशन कार्डों में सदर अनुमंडल के 4,083, बेनीपुर के 829 तथा विरार अनुमंडल के 2,539 राशन कार्ड हैं। जन वितरण प्रणाली की 583 नई अनुज्ञप्तियों का वितरण पूर्व में किया जा चुका है। मंगलवार के विशेष जिला स्तरीय कार्यक्रम में 2 नए अनुज्ञप्ति भी वितरित किए गए। जिलाधिकारी समारोह में राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम की लाइव वेबकास्टिंग भी किया गया। जिला उपभोक्ता फोरम के नजदीक 1,15,00,000 की लागत से बनने वाले आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केंद्र भवन का शिलान्यास भी हुआ। इस भवन के बन जाने से आपूर्ति श्रृंखला और भी व्यवस्थित एवं सुरक्षित होंगे। जिन पात्र लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, वह अपने प्रखंड स्थित आरटीपीएस केंद्र पर आवेदन दे सकते हैं। विधिवत जांच कर सभी पात्र लोगों का राशन कार्ड वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता, प्रदीप कुमार झा,
ब्रज किशोर लाल, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा समेत अन्य पदाधिकारी गण मौजूद थे। 151 लोगों को अभी तक तैयार करके राशन कार्ड हम लोगों ने रखा है, जो वितरण हो रहा है, आज से शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जो आवेदन आया है, लगभग 90,000 आवेदन आया है सभी प्रखंडों में मिला करके, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और अभी तक लगभग 15,000 आवेदन स्वीकृत हुआ है, जिसका भी राशन कार्ड बनाया जाना है। उसमें से हम लोगों ने अभी आज 7,451 बनवा के दिया है, शेष प्रोसेस में है। उद्देश्य है कि जितना आवेदन आया हम लोग 15 अगस्त तक सभी लोगों को उपलब्ध करा दें। दूसरा इसमें कार्यक्रम में आज के था कि अनुज्ञप्ति देना है नई, ये हम लोग पहले ही 587 लोगों को दे चुके हैं, चयन करके वितरण किया चुका है। और प्रतीकात्मक रूप से आज एक लोगों को यहाँ अनुज्ञप्ति दिया गया। तीसरा आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो SFC है उसका जिला स्तर पर एक कार्यालय हो, जिसको फूड चेन कार्यालय बोला गया है, उसको उसका भी आज शिलान्यास करना था, तो उसका भी आज शिलान्यास हुआ, उसकी जमीन चिन्हित कर लिए हम लोग। तो तीन उद्देश्य थे, तीनों का आज कार्यक्रम यहाँ शामिल किया गया है। मौका उसके बगल में जमीन चिन्हित की गई है और वहाँ शिलान्यास भी करके कार्य उसमें शुरू होगा। 115 लाख रुपए की योजना है और वो सैंक्शन भी हो गई। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ से बचाव तथा इसके लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। दरभंगा प्रमंडल क्षेत्र तथा जिला में इससे बचाव के लिए अब तक की गई तैयारियों के बारे में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवड़े एवं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा विस्तार से बताया गया। संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ से बचाव तथा इसके लिए की जा रही तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की गई। दरभंगा प्रमंडल क्षेत्र तथा जिला में इससे बचाव के लिए अब तक की गई तैयारियों के बारे में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवड़े एवं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा विस्तार से बताया गया। संभावित बाढ़ अथवा सूखा की स्थिति में वैकल्पिक फसल के लिए की जा रही व्यवस्था, डीजल अनुदान वितरण आदि के लिए अब तक की गई तैयारी के बारे में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया। मुख्यमंत्री से प्राप्त सुझाव के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी ने फसल आच्छादन वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रतिदिन होने वाले वर्षापात का नियमित रूप से अनुश्रवण करें एवं डीजल अनुदान वितरण पर भी विशेष ध्यान दें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कृषि पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। गोल्ड लोन घोटाला उजागर होने के बाद बैंक कर्मियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। 80 लोगों को नकली सोना पर लोन देकर बैंक को करीब 150 करोड़ का चूना लगाने की बात सामने आई है। अभी तक बैंक की ओर से FIR दर्ज नहीं कराई गई है, हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द FIR दर्ज कराने को कहा गया, जिससे पुलिस जांच शुरू हो सके। SBI की लहरियासराय शाखा में गोल्ड लोन घोटाला उजागर होने के बाद बैंक कर्मियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। बैंक से काफी संख्या में लोगों को गोल्ड लोन दिया गया है, जिनमें से लगभग 80 लोगों को नकली सोना पर लोन देकर बैंक को करीब 150 करोड़ का चूना लगाने की बात सामने आ रही है। मामला उजागर होने के कई दिनों बाद भी अभी तक बैंक की ओर से FIR दर्ज नहीं कराई जा सकी है। FIR दर्ज कराने से बैंक की ओर से आंतरिक जांच चलने की बात बताई गई, हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा बैंक को कहा गया है कि जल्द से जल्द FIR दर्ज कराएं ताकि पुलिस जांच शुरू हो सके। पीतल पर सोने का पानी चढ़ाकर लोन लेने का मामला बैंक के ऑडिट के दौरान सामने आया था। मामला के प्रकाश में आते ही बैंक की ओर से आंतरिक जांच शुरू की गई। जांच अधिकारी के रूप में संदीप टोपो को यहां भेजा गया, जो पिछले कई दिनों से जांच में लगे हैं।
वहीं लोन लेने के एवज में दिए गए सोना की जांच के लिए एक टीम को यहां पहुंची। बैंक की ओर से दिए गए सभी गोल्ड लोन की बारीकी से जांच की जा रही है। फर्जी ढंग से लोन उठा लेने के मामले में फिलहाल बैंक की ओर से वैल्यूअर हीरालाल पन्नालाल नामक संस्थान के प्रोप्राइटर से बैंक ने निबंधन करा रखा था। उसकी ओर से सोने को असली होने का सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद आवेदक को गोल्ड लोन मुहैया कराया जाता था। हालांकि इस पूरे मामले में कई बैंक कर्मियों को भी फिलहाल क्लीन चीट नहीं दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बड़े फर्जीवाड़ा में कई बैंक कर्मियों पर भी गाज गिर सकती है। गोल्ड लोन घोटाला उजागर होने के बाद SBI की लहरियासराय शाखा के कामकाज पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। हालांकि इस संबंध में SBI के मुख्य शाखा प्रबंधक दिलीप चौधरी ने बताया कि FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। घोटाला के सिलसिले में पूछने पर उन्होंने बस इतना कहा, जांच चल रही है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। शराबबंदी के दिन से क्षेत्र में 445 आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार किए गए, कहा DIG विनोद कुमार ने। दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में 67,313 लीटर देशी शराब की बरामदगी की गई, वहीं 1,81,781 लीटर विदेशी शराब को भी जब्त किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू होने के बाद से दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में 67,313 लीटर देशी शराब की बरामदगी की गई, वहीं 1,81,781 लीटर विदेशी शराब को भी जब्त किया गया है। इससे जुड़े 445 आपूर्तिकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, जबकि 2,799 प्राप्तकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। 190 भंडारकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 3,074 वितरणकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक प्रमंडल में शातिर अपराधियों समेत कुल 261 अपराधियों की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण कराई गई है, जिसमें दरभंगा में 46, मधुबनी में 110, समस्तीपुर में 111 अभियुक्त शामिल हैं, जिनमें हत्याकांड से जुड़े 6 अभियुक्त दहेज हत्या के मामले में 2 अभियुक्त पास्को एक्ट में, 3 अभियुक्त अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम कांडों में, 1 अभियुक्त डकैती कांड में, 1 अभियुक्त महिला उत्पीड़न कांड में, 2 अभियुक्त एवं आर्म्स एक्ट के कांडों में 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। 16 मोटरसाइकिल, 4 गाड़ी, 1 टेम्पो, 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। दरभंगा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों से 6,05,400 वसूले गए हैं, वहीं मधुबनी में 84,300, समस्तीपुर में 65,500 रुपए की वसूली की गई है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशालय एवं मिलर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान परिचर्चा एवं जागरूकता रैली सह स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महापौर वैजंती देवी खेड़िया, पूर्व कुल सचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी, कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला समेत छात्र मौजूद थे। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशालय एवं मिल्लत कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान परिचर्चा एवं जागरूकता रैली सह स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महापौर बैजंती देवी खेड़िया, पूर्व कुल सचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी, कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला समेत छात्र मौजूद थे। ये आज मिलत कॉलेज में इन्होंने स्वच्छ अभियान का नुक्कड़ सभा भी किया है, रैली भी निकाली है। इसी तरह अगर शहर के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो ऐसा अभियान शुरू कर दें तो शहर में ना गंदगी फैलेगी ना बीमारियाँ फैलेंगी। गंदगी फैलने से 10 तक बीमारियाँ फैलती हैं,
तो हम लोग सभी चाहें शहरवासी कि हम लोग स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और अपने शहर को साफ सुथरा रखें। इसमें आप भी अच्छे रहेंगे और शहर का विकास भी अच्छा होगा। आगे बढ़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उसी तरह सभी छात्र आगे बढ़ के हिस्सा लें और सबको जागरूक करें कि आप गंदगियाँ नहीं फैलाएं, कूड़े घर के बाहर नहीं फेंकें और पनिया का यूज कम से कम करें, जो नालियों में जाके जम जाती हैं और नाली का अवरोध करके पानी रोक देती हैं, जिसे चलते बाढ़ के टाइम में या बरसात के टाइम में हम ही लोग को रोड से निकलने में पानी का सामना करना पड़ता है, ठेवना और पानी उड़ाते हैं, ये हम लोग को सामना नहीं करना पड़ेगा। आज ये प्रोग्राम मिल्लत कॉलेज में भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया गया। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में जागरूकता पैदा करना और समाज में जागरूकता पैदा करना कि हम किस प्रकार से अपने समाज को स्वस्थ और स्वच्छ रख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता अभियान का है, ये है कि हम सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। सभी लोग जब जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। कोलैबोरेशन से, मिल्लत कॉलेज के सहयोग से आज स्वच्छता अभियान प्लान, जिसके अंदर में स्वच्छता रैली निकाली गई, कॉलेज के अंदर में सभी शिक्षकगण और भारत सरकार के प्रतिनिधि आए हुए थे, सबों ने मिल करके अपने हाथों में झाड़ू लेकर के साफ सफाई किया और फिर कन्फ्रेंस हॉल के अंदर में एक्ट के जरिए, ड्रामा के जरिए इस बात को दिखाया गया। प्रधानमंत्री के उद्देश्य पे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस पे जो स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है और मिल्लत कॉलेज के द्वारा जो ये प्रोग्राम किया गया है, इसमें बहुत ही लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और हम लोग अपने घर से ही शुरू करें, वार्ड लेवल, मुखिया लेवल से। दरभंगा वासियों को के नगर निगम इसके लिए सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके घर पे स्टाफ जाता है कॉल आने के लिए। मेहरबानी करके आप लोग अपने कचरे को घर में रखें, बाहर नहीं फेंकें। आज हम लोग को एक होना पड़ेगा सफाई के लिए। सरफराज आलम, BTN न्यूज। जुबली हॉल का मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने स्थल निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश भी दिए। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने जुबली हॉल का निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। रख रखाव मतलब वही देखा जा रहा था कि कहीं रख रखाव में कोई कमी तो है नहीं। रख रखाव की जिम्मेदारी अब दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को दे दिया गया है, अब इसका पूरा मेंटेनेंस वही लोग करेंगे। जो भी कमियां इसमें दिखाई दे रही हैं उनसे अनुरोध किया जा रहा है सरदार रविंद्र सिंह जी से कि उसको दूर करें और एक अच्छे हाल के रूप में ये मेंटेन रहे। सरफराज आलम, BTN न्यूज। हार्बर फार्मिंग टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया MLSM कॉलेज के बॉटनी विभाग में। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर CV त्रिवेदी, डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, प्रधानाचार्य विद्यानाथ झा मौजूद थे। हर्बल फार्मिंग टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया MLSM कॉलेज के बॉटनी विभाग में। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर CV त्रिवेदी, डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, प्रधानाचार्य विद्यानाथ झा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चलिए इस किस्त के लिए तो दाम बता दीजिए, आगे फिर अपना इस तरह कर लीजिएगा। हम कहते हैं सर्त रहेगा, कहाँ बताइए, वही हमने कुछ जोड़ा, कुछ आइडिया तो था नहीं उसमें क्या क्या खर्चा। बंगलोर की एक कंपनी ने मुझसे बात की, उसने कहा धतूरा के बीज और पत्तों को ट्रक से मेरे पास भेजवाएं, यदि 100 ट्रक है सब मैं खरीदूंगा। एनेस्थीसिया जो दी जाती है कहाँ से ही सब दवा लूंगी, इसी सबसे वक्त नाम जहरीला, हमारे यहाँ अमृत भी जहर होता है, जहर भी अमृत होता है। बहुत सारी बीमारी का दवा बता, बच्चों के साथ साथ बड़े के भी इससे फायदे हो सकते हैं और बहुत लोगों ने इनसे बता दवा का नाम भी पूछा। अब मैं सोनी कुमारी सिंह
rendered by humankind as an edible and medical purposes. Mushrooms have become attractive as a functional food and as a source of drugs and nutraceuticals due to their antioxidant, antimicrobial properties. As a tablets and nutraceuticals, it is a cheap. Salutes you when you make others happy. So, our previous principal was our dream for the last 30 or 35 years. So now that dream and appreciation goes to Dr. Mushtaq Ahmed. Sarfaraz Alam, BTN News. मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जयंती पर याद किए गए मुंशी प्रेमचंद, मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प दोहराया। के सपनों के भारत की बात करते हैं तो आप देखेंगे उनके समय से जो समस्या थी हम समझते हैं आज इस कलधन का खौफनाक समय है। ऐसा खौफनाक समय उस समय भी नहीं था, गुलाम भारत में भी वैसा समय नहीं था जिस ढंग की स्थिति आज है। आज जब हम समय की बात करते हैं हमारा समय और प्रेमचंद, तो आप इस समय पर जब गौर करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा खूंखार समय उस समय भी नहीं था। आज जबकि देश ही नहीं पूरा संसार बाजारवाद और भोग की संस्कृति से त्रस्त हो रहा है, आज जबकि भारत के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं, स्त्रियों को वाजिब अधिकार नहीं मिल पा रहा है, दलितों को दबाया जा रहा है, ऐसे समय में जबकि भ्रष्टाचार और अनैतिकता आज चरम पर पहुंच गया है, हमें बरबस प्रेमचंद याद आते हैं जिन्होंने त्याग, सेवा, प्रेम, सहिष्णुता का संदेश दिया। अच्छा कुछ कहने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं शेर अर्ज करती हूँ। इबादत की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा पैगाम है मैं पहले सलाम करती हूँ। प्रेमचंद इसी धरती पे जीने वाले इंसान, उन्होंने उनका जन्म 31 जुलाई 1980 से हुआ है। उस दुनिया पे जीने वाले वो भी इंसान थे ना, अगर आप वो सेलिब्रेशन करें तो वो किस थे, उन्होंने अपने उपन्यास में, साहित्य में, कहानियां में। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। दीनी मकतब, मदरसा एवं उत्थान केंद्रों के शिक्षकों की समस्या के निदान के लिए संघ की बैठक मोहम्मद रेजा इमाम की अध्यक्षता में हुई अलीनगर प्रखंड के सामुदायिक भवन में। ये थे अब तक के समाचार, विदा लें आपसे। इससे पूर्व सुर्खियों पर एक नजर। 7451 राशन कार्ड लाभुकों के बीच जिलाधिकारी ने किया वितरण। 1,15,00,000 की लागत से बनने वाले आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केंद्र का शिलान्यास। बाढ़ अथवा सूखा की स्थिति में होगी वैकल्पिक फसल की व्यवस्था, कहा मुख्यमंत्री ने। प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संभावित बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा तैयारी के बाबत ली जानकारी। और गोल्ड लोन घोटाला मामले में बैंक नहीं दर्ज कराई FIR, पुलिस जांच प्रभावित, उजागर बाद बैंक कर्मियों के फूलने लगे हाथ पांव। ये थी अब तक के समाचार, विदा लें आपसे। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।